सीएसुख बरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो आइए हम आज के खुदांद के पा कलाम की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले हम अपने सरो को ख़ुदांद हजूरी में झुकाएँगे। खुदा के दूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालक खुदांद में अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ अपनी सोचों को अपने ख्यालों को तरेताबे करता हूँ अब बाप जो कुछ बोलूँ तेरी मर्जी से हो जब सुने सुनने वाले खुदाउद इससे बरकत पाएँ तेरे बेटे खुदाउद यस्सु के नाम में आमीन आइए हम खुदांद के मुकदस कलाम में से देखें हमारे लिए आज का हवाला मुकदस लूका की मार्फत लिखा गया जीली बयान उसके तेरवें बाब की पहली नौ आयात हम तलावत करेंगे खुदाम के कलाम में इस तरह मरकूम है उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका ख़ून पिलातूस ने उनके ज़िबों के साथ मिलाया था उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिस्त में और सब गलीलियों से ज़्यादा गुनहार थे मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं बल्कि अगर तुम तौबा ना करो करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे या क्या वो अठारह आदमी जिन पर शाह का बुरज गिरा और दबकर मर गए तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो इसी तरह हलाक हो गए खुदा मुद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर हो आमीन खुदामद का कलाम जो आज मेरे लिए आपके लिए है खुदाउद यस्सु यहाँ पर उन लोगों से मुखातब हैं जो उसके पास हैं अब यहाँ पर वो एक जिक्र करते हैं कि गलीलियों को पिलातूस ने मारा उनका खून बहाया और वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये लोग जो हैं, ये बहुत गुनहगार थे उनकी सोच इस तरह की थी कि वो उनको गुनेगार साबित करना चाहते हैं लेकिन खुदामद यीशु को एक खूबसूरत तालीम देते हैं तालीम क्या है कि क्या तुम उन गलीलियों को जो पिलातूस ने जिनको सजा दी है उनको सजा की वजह से गुनागार कहते हो ज्यादा गुनागार समझते हो तो खुदा यस्सु कहते हैं कि अगर तुम तोबा ना करोगे तो तुम भी इसी तरह हलाक हो गए और फिर दूसरी बात जो खुदा यस्सु ने साथ ही इस बात का तरफ ले जाते हैं कि शलूख का ब्रज जिन 18 आदमियों पर गिरा क्या वो बाकी लोगों से ज्यादा गुनेगार थे खुदा यस्सु कहते हैं कि अगर तुम भी तोबा ना करोगे तो तुम भी हलाक हो गए मैसेज यहां पर खुदा यस्ु ने क्या दे रहे हैं कि तोबा की तरफ आओ और अगर खुदाउन यस्सु की तालीम के तल्लुक से देखें तो जब उन्होंने अपनी मनादी का आगाज किया तो उन्होंने कहा आसमान की बादशाही नजदीक है आओ तोबा करो तोबा की मनादी से आगाज किया और यहां पर भी वो लोगों को तोबा की तरफ माइल कर रहे हैं और खुदा उनके कलाम में अगर हम इसी के साथ क्रंथियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका दसवें बाप को देखें तो दसवें बाप की पहली तेरह आयात एक मंजर पेश करती हैं और वहां पर रसूल करंथियों की पालूसूलिस को खत लिखते हुए उन्हें वो बातें याद दिलाता है जो बियाबान में हुई वो बातें याद दिलाता है जो के उनके बाप दादा के साथ हुई खुदाद का बंदा पालूस कहता है ग्रंथियों क्रं, की कलिसिया को खत लिखते हुए कि आए भाइयों ग्रंथियों दसवां बाब उसकी पहली तेरह आयात को अगर आप देखें तो यहां पर हमें यह खूबसूरत पैसेज मिलता है जहां पे हमें एक नसीहत हमारे लिए मिलती है कि खुदावंद खुदा ने बने इसराइल को जिनको वो मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया जिनको वो गुलामी से निकाल कर लाया वो जो मिस्रियों की गुलामी में थे और गुलाम आप जानते हैं कि गुलाम की जिंदगी जो है वो बहुत कठिन है बहुत मुश्किल है उसने हर वक्त अपने आका की बातों पर ध्यान देना है उसकी अपनी जिंदगी जो है तर्ज जिंदगी कुछ नहीं है अब क्या था खुदा उनका बंदा पालूस ग्रंथियों की कलीसिया को एक खत लिखते हुए कहता है कि आए भाइयों मैं तुम्हारी तुम्हारा इससे ना वाकफ रहना नहीं चाहता कि हमारे बाप दादा ने हमारे बाप दादा जो मिस्र से निकले थे जिनको खुदाउन खुदा ने बहरा कुलजम में से पार करवाया और फिर उन्होंने उसी में उसी बादल के नीचे खुदाउंद के कलाम में लिखा है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया अब उसके बाद क्या हुआ खुदाम के कलाम में लिखा है कि वो रूहानी खुराक खाते थे बनील रूहानी खुराक खाते थे रूहानी पानी पीते थे और रूहानी खुराक खाना रूहानी पानी पीना और उस चट्टान से पीते थे जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान खुदा यसुअल मसीह था इसके बावजूद खुदा उनसे कुछ से राजी न हुआ और वह बियाबान में ढेर हो गए उन्होंने नाफरमानी की वो खुदा से दूर चले जाते थे खुदा की इतनी प्यारी कौम लेकिन फिर भी वो खुदा खुदा के नाफरमान बनते और वहीं पे ढेर हो गए इसके बाद हम फिर उनकी जिंदगी में एक और काम देखते हैं कि उन्होंने जो बनी इसराइल के लोग थे वो बियाबान में हर तरह की सहूलतों से आराजता थे लेकिन वो उदामद का कलाम क्या कहता है पालूस रसूल क्या बयान करता है कि वो लोग खुदामद के इतने दूर चले जाते थे कि उन्होंने बुरी चीजों की ख्वाहिश की और बाइबल मुकदस बयान करती है कि जब हम बुरी चीजों की ख्वाहिश करते हैं तो ख्वाहिश जो है वो जब हमला होती है तो वह गुनाह को जन्म देती है और उनके अंदर गुनाह पैदा हुआ उनके अंदर ख्वाहिशें पैदा होती गई ख्वाहिशें जन्म लेती गई और उन्होंने गुनाह को जन्म दिया और वो क्या कर रहे थे उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी और पालूस कहता है तुम बुत परस्ती ना करना तुम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करना और अगर तुमने भी की तो तुम भी मरोगे जिस तरह खुदा यस्ु मसीह ने फरमाया कि अगर तोबा ना करोगे तो हलाक होगे तोबा ना करोगे तो मरोगे गुना को तर्क ना करोगे तो मरोगे यहां पर का बंदा पालूस के से बताता है के बुरी चीजों की खाइश की हालांकि खुदा उन्हें रूहानी खुराक से शेर कर रहा था रूहानी पानी से शेर कर रहा था मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया था और यहां पर भी उनके लिए आसमान पर जो बादल था वो छो छओ का काम करता था वो उन्हें धूप नहीं लगने देता था रात को रोशनी और उनके लिए खुदाम सब कुछ मुहैया कर रहा था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बुत प्रस्ती भी की और हरामकारी भी की हरामकारी से भी बाज नहीं आए नतीजा क्या निकला खुदावंत की हजूरी में खुदावंत का खसब उनका भड़का और बाइबल मुकदस में लिखा है परूसर सूल अपने खाते में कहता है कि तीस हजार लोग जो है वो मारे गए अगर आज हम क्या करते हैं हम भी खुदा से दूर चले जाते हैं तो खुदा यस्सु कहते हैं कि हलाक हो जाओगे मर जाओगे हमें खुदावद के करीब आना है खुदा की कुर्बत में आना है और खुदा उनके कलाम यहां पर बयान करता है कि खुदावन खुदा की उन्होंने आजमाइश की बियाबान में खुदा सब कुछ उनको दे रहा था उनके लिए सब कुछ मुहैया कर रहा था उनके लिए रोटी पानी और ना उनको कपड़ों की जरूरत ना उनको जूतियों की जरूरत ना उनको साहेबान की जरूरत खुदावत सब कुछ उनके लिए मुहैया कर रहा था लेकिन फिर भी वो खुदावत की आजमाइश करने पर तुले हुए थे और नतीजा क्या निकलता है खुदामद के कलाम में लिखा है कि सांपों ने उनको हलाक किया और साबाज की और सांपों ने उन्हें हलाक कर दिया आज मेरे अजीजों अगर हम दूसरी तरफ निकलते हैं तो खुदावंद उसकी सजा भी मिलती है खुदा कहता है कि तौबा ना करोगे तो हलाक हो जाओगे उन्होंने बुढ़बुड़ाना शुरू किया बुड़बुड़ाते थे इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी उन्होंने बुड़बड़ाना ना शुरू किया बुड़बड़ाना शुरू कर दिया और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो मूसा से तकरार करते थे हारून से तकरार करते थे वो कहते थे कि हम तो वहां मिस्र में अच्छे थे गुलामी में अच्छे थे मुश्किल में अच्छे थे परेशानी में अच्छे थे वो इस जिंदगी से अच्छा उनको अपनी जिंदगी गुलामी की जिंदगी लग रही थी और वो बुढ़ शुरू हुए और जब वो बुढ़ शुरू हुए तो उन्होंने मूसा के खिलाफ भी बातें की और नतीजा क्या निकला खुदा के खिलाफ भी बोले और फिर खुदा उनका कलाम कहता है कि वो फिर हलाक हुए जब जब उन्होंने खुदा को बुरा भला कहा उन्होंने हरामकारी की बुतप्रस्ती की और खुदा ने उनको हलाक किया ये क्यों लिखा गया खुदा बंदा पालूस कहता है कि ये हमारी नसीहत के लिए है लिखा ये बातें, उनके लिए तो बातेंत वाक हुई लेकिन हमारी नसीहत के वास्ते लिखी गई और अब वो इस बात के लिए कहता है कि अब हम पर वो इतनी आजमाइशों को नहीं आने देता हमें आजमाइश में नहीं गिरने देता हमें आजमाइश में नहीं पढ़ने देता हमें वो बचाता है और हमारे लिए अगर आजमाइश आती है तो हमें वो कुवत देता है वो ताकत देता है वो जोर देता है कि हम उस आजमाइश को बर्दाश्त कर सकें हम उस आजमाइश से निकल सकें हम उस आजमाइश में से पार हो जाए ताकि वो आजमाइश हमें कहीं गुनाह में ना डबो दे गुनाह में ना ले जाए य की किताब उसका पचपन बाब अगर हम देखें तो उसकी पहली आयत में हमें एक खूबसूरत दावत मिलती है पहली आयत में वो कहता है आए प्यासो मेरे पास आओ वो हमें आजमाइश में नहीं पड़ा रहने देता खुदाम का कलाम ये लिखा है कि आए प्यासो पानी के पास आओ और वो भी जिसके पास पैसा ना हो वो दावत दे रहा है कि आओ और फिर इसी की तीसरी आय देखें तो लिखा है कान लगाओ और मेरे पास आओ सुनो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी खुदा का पैगाम है कि मेरे पास आ जाओ तुम्हारी जान जिंदा रहेगी वो हमें बचाना चाहता है वो हमें कभी हलाक नहीं होने देना चाहता वो हमारी सहत और पालना करता है वो हमें दावत दे रहा है कि प्यासो मेरे पास आ जाओ जिनके पास कुछ नहीं है वो भी मेरे पास आ जाओ और वो कहता है कि कान लगा लो सुन लो कि तुम्हारी जान महफूज रहेगी जिंदा रहेगी जिस तरह इसराइल के लोग मारे गए उस तरह तुम नहीं मारे जाओगे बच जाओगे मेरे पास आ जाओ तोबा कर लो और खुदा यस्सु इसी लुका की झील में अगर हम तेरवें बाप की पांचवीं छठी आयत से आगे थोड़ा जाए नावी आयत तक तो वहां पर हमें खुदा यस्सु क्या एक तमसील कहते हुए नजर आते हैं तमसील क्या थी कि वो एक बाग में जाते हैं कहता है कि बाग का माली जो है उससे मालिक पूछता है कि इस के बारे में जो इंजीर का दरख्त है खुदाउद खुदा कहते हैं खुदाउद यस्सु कहते हैं कि जब मालिक वहां पे आता है जो पाकिस्तान का मालिक है वो माली से कहता है कि इस दरख्त को काट दे वजह क्या थी वजह ये थी कि वो मालिक उसे बार बार मौका दे रहा था उसे कहता है कि तीन साल से मैं इस दरख्त के पास आ रहा हूं खुदाउन की नजर देखिएगा हम शायद ये नहीं जान पाते कि खुदावन मेरे पास कब कब आता है दावत कहता है कि वो तीन साल से उस दरख्त के पास आ रहा था और बार बार उसको चेक करता था कि इस साल इसमें क्या तब्दीली आई है चले अगले साल बदल जाएगा उससे अगले साल इसमें फल आ जाएगा उससे अगले साल इसमें फल आ जाएगा लेकिन तीन साल लगातार उसमें फल नहीं लगा और फिर आखिरकार उस मालक को माली को यह कहना पड़ा बागबान को यह कहना पड़ा कि इसको काट दे इसको यहां से हटा दे ये क्यों फजूल जगह घेरे हुए है तो फिर जवाब क्या मिलता है आए मालिक इसको एक साल रहने दे यानी खुदामंद खुदा जो है वो अपने लोगों की फिक्र करता है वो साल बाद साल हर बार हमें मौका देता है कि आए मेरे बंदे आए मेरी बंदी खुदामंद के करीब आ जा अपनी जिंदगी को फलदार बना दे गुना को तर्क कर दे तेरी जिंदगी से दामन के फल नजर आए लेकिन जब एक साल नजर नहीं आते दूसरे साल नहीं नजर आते तीसरे साल नजर नहीं आते फिर आखिरकार जिस तरह खुदा कहते हैं कि तोबा ना करोगे तो हलाक हो गए फिर हलाकत की तरफ जाते हैं फिर मौत की तरफ जाते हैं लेकिन वो रहीम है कहर करने में धीमा है शफकत में गनी है वो हमें चौथा साल भी देता है वो कहता है ठीक है इसके चौगिर्द गोडी करो पानी दो खाद दो जिस तरह मालिक कहता है उसकी बात मानते हुए उसे एक साल और दे देता है जिस तरह हमें खुदा खुदा साल देता है लेकिन वो ये चाहता है कि उसके पास आ जाए खुदा यस्ु कहते हैं आए बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, उसका खूबसूरत आराम भी हमारे लिए हाजिर है जिस तरह वो यहाँ पर लोगों को एक तालीम देते हैं तालीम क्या देते हैं कि तोबा करो वरना हलाक हो जाओगे और फिर वो ये कह देते हैं कि तोबा करो मेरे पास आ जाओ मुझसे आराम भी पाओगे खुदांद आज यही चाहता है कि हम खुदावंद खुदा के पास आ जाएं हम मसीह के पास आ जाएं हम उसकी कुर्बत में आ जाएं हम अपने गुनाहों को तर्क कर दें क्योंकि अगर गुनाह को तर्क ना करेंगे तो वो इसराइल जिनको खुदावंद जिक्रिया की किताब में कहता है कि ये मेरी आंख की पुतली है उसको खुदावंद ने खुद सजाएं दी खुद बियाबान में हलाक कर दिया क्योंकि वो खुदावंद के करीब नहीं आते थे बार बार वो गुनाह करते थे और मूसा को खुदावंद कहता है कि ये गर्दन कश कौम है खुदावंद उनसे नाराज हो जाता है जो उसके आंख की पुतली कहलाती है जो उसकी लाडरी कौम कहलाती है लेकिन फिर खुदावंद उन्हें माफ करता है अपने करीब आने का मौका देता है आज खुदावन हमें भी यही इंतबाह करता है कि अगर तुम तोहबा ना करोगे तो हलाक हो जाओगे इसलिए खुदाउ का कलाम हमें दावत देता है कि आओ प्यासो मेरे पास आ जाओ मुझसे जिंदगी का पानी ले लो और जो हमेशा की जिंदगी का पानी है आओ कान लगा लो और जिंदगी हासिल कर लो और ताकि तुम जिंदा रहो और आओ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ मैं तुमको आराम दूंगा अगर हम उसके पास नहीं आएंगे उसके पानी को नहीं पिएंगे तो मेरे अजीजों खुदा यस्सु कहते हैं कि हलाक हो जाओगे आज मौका है अपनी जिंदगी को बदलने का आइए अगर कोई खुदा मुझसे दूर है अगर कोई नाफरमानी में है अगर कोई हरामकारी में है अगर कोई बुत परस्ती में है अगर कोई झूठ फ्रेब की जिंदगी बसर करता है तो आज मौका है कि हम उसकी हजूरी में अपने आप को ढेल दे, अपने आप को खाली कर दें और उससे कहें आए खुदावंद मैं अपने आप को खाली करता हूँ मैं तोबा करता हूँ आइंदा मेरी जिंदगी में तू आ जा ताकि मैं हलाक ना हूँ बल्कि हमेशा की जिंदगी पाऊं खुदावंद आपको बरकत दे और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद की तरफ रागब करे आमीन आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें खुदांद का दूसरा मेहरबान आसमान और जमीन के खालक आज का कलाम आज का पैगाम आज खुदावंद तेरी आवाज जो तेरे लोगों तक पहुँची है खुदांद खुदा इस आवाज के जरिए तेरे लोग अपनी ज़िंदगियों को बदल पाए जिस तरह हमारे लिए नसीहत तेरे कलाम में से मिलती है पालूस कहता है कि हमारे लिए नसीहत है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल लें हम उनको देख लें जिनको खुदावंद के करीब होते हुए भी नाफरमानी पर सज़ा मिली आज खुदावंद हमें भी कहता है कि तौबा करो वरना हलाक हो जाओगे आज खुदांद कहता है मेरे पास आ जाओ आराम ले लो आए खुदावंद तो अपने लोगों को आराम दे अपने लोगों को ताकत दे अपने लोगों को कुवत दे ताकि आज का कलाम एक एक जिंदगी में फलदार साबित हो तेरे बेटे खुदा यस्सु के नाम में आमीन